हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच क्लास 10 के साइंस के प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 9 तक पढ़ा दिए थे, मतलब पार्ट 9 तक पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पार्ट 10 देखेंगे, मतलब पार्ट 10वां देखेंगे। देखिए, इसके पहले हम बता रहे थे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, यानी मिरर फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिख दिए थे। आज हम दर्पण सूत्र को प्रूव करेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, लिखे हुए हैं सिद्ध करेगी गोलीय दर्पण के लिए मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र को प्रूव करेगी, मतलब सिद्ध करेगी। देखिए, गोलीय दर्पण में आप कोई भी दर्पण ले सकते हैं, या अवतल या उत्तल। हम यहाँ पे अवतल दर्पण लिए हैं। देखिए, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि माना कि MN एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है। देखिए, यहाँ पर है कि MN क्या है, लिख दीजिए क्या है कि MN एक छोटे द्वारक का क्या है, अवतल दर्पण है। देखिए, एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पहले डिस्कशन बताया है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ। देख लीजिए, जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ, धंसा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो वही लिए है कि एक MN एक छोटे द्वारा के क्या लिया, अवतल दर्पण लिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि जिसके मुख अक्ष के लंबवत। देखिए, हम बोले हुए थे कि वक्ता के और ध्रुव के मिलाने वाले जो सरल रेखा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं या प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि जिसके मुख अक्ष के लंबवत, मतलब लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर एक वस्तु ए बी को रखा गया। देख लीजिए, मुख अक्ष यही ए बी है, यही क्या है, पीएक्स क्या है, मुख अक्ष है, और इसी के लंबवत। देखिए, एक लंबवत क्या रखे हैं, एक वस्तु ए बी रखे हुए। देख लीजिए, ए बी क्या है, एक वस्तु है। आगे लिखा हुआ है, रखा गया है दर्पण द्वारा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दर्पण द्वारा बना वस्तु ए बी का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए बी ए डैश बी डैश है। देखिए, यहाँ पर जो ए बी वस्तु है, इसका दर्पण से परावर्तन होगा तो प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है, एक प्रतिबिंब बना हुआ है। कहाँ पे, दर्पण के सामने। तब जानते होंगे, दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है, वो काल्पनिक या आभासी होता है। देखिए, यही लिखे हुए हैं कि दर्पण द्वारा बना वस्तु ए बी का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश है। देखिए, यहाँ पे ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब बना हुआ है। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए हमको दो, कम से कम दो किरणारक को भेजना होगा, तब उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। देखिए, यहाँ पे हम तीन किरणारक भेजे हैं। देखिए, एक भेजे हुए हैं कि मुख अक्ष के समानांतर से एक आपतित किरण की है, दूसरा किया है कि दर्पण के वक्ता केंद्र से किरण को आपतित किए हैं, और तीसरा किया है कि ध्रुव के मतलब ध्रुव की दिशा में, देखिए ध्रुव की दिशा में आपतित किए हैं। ठीक है, तो हम इसको बताते हैं कैसे कैसे आपतित किए। यहाँ पे तीन किरण को हम आपतित किए हैं। तो देखिए, पहला किरण हम आपतित किए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे देखिएगा, पहला किरण ये है तो जो दर्पण के मतलब मुख अक्ष, जो मुख अक्ष है पी है, उसके क्या है, समानांतर है। तो मुख अक्ष के समानांतर से कोई किरण आपतित होता है तो दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि फोकस से गुजरा हुआ, देख लीजिए, यहाँ फोकस से गुजरा है। दूसरा, हम किरण आपतित किए हैं दर्पण के वक्ता केंद्र से। देखिए, तो हम वक्ता केंद्र से बता दें कि दर्पण के वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित आप किरण कीजिएगा तो परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है। देखिए, उसी दिशा में क्या हो रहा है, परावर्तित हो जाना। देखिए, परावर्तित हो गया। तीसरा बताया, तीसरा इसमें किरण है कि ध्रुव से, देखिए ध्रुव से कोई किरण को आपतित करते हैं उसी की दिशा में तो परावर्तन के बाद क्या होता है कि जितना मुख अक्ष से कोण बनाता है उतने कोण पर क्या होता है, वो परावर्तित होता है। देखिए, यहाँ पे आपतित किरण जितना डिग्री या कोण बना रही है उतनी डिग्री क्या हो रही है, परावर्तित किरण की कोण बना रही है। देखिए, यहाँ पे जितना डिग्री कोण बना रही है उतनी डिग्री क्या हो रही है, परावर्तित किरण बनाने, मतलब साइन आई बराबर साइन आर, मतलब जितना डिग्री का आपतन कोण होगा उतना डिग्री क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। एक तीन किरण समझ गया। और आगे हम बताए थे कि जहाँ तीनों किरण मिलेगी परावर्तन के बाद वहीं पे क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि तीनों किरण मिलेगी, यहाँ पे ए बी किरण मिल रही है, ए बी किरण मिल रही है, और ए बी किरण मिल रही है परावर्तन के बाद, तो इसी पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जिस तीनों बिंदु जिस पर मिल गई उसी पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ए डैश बी डैश वाला। आइए, अब चीज देखते हैं, यहाँ पे चीज आप समझ गए होंगे, फिगर आप समझ गए
आइए अब देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से हम बताए हुए थे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी हमको पढ़ाया था उसमें बताए थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस विधि। देखिए फोकस विधि का डिफिनेशन बताए हुए थे कि फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर फोकस दूरी पी एफ लिखे हुए। देखिए पी एफ है फोकस दूरी क्या है पी एफ है पी एफ बराबर क्या होता है फोकस दूरी। ऐसे भी जानिए हम कौन दर्पण लिए अवतल दर्पण लिए हैं अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है ऋणात्मक होता है ठीक है। आप ये जानते होंगे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ऋणात्मक होती है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि दर्पण के सामने हम जितना भी कोई चीज लेते हैं मतलब प्रतिमा जब बनता है प्रतिमा कोई भी चीज लेते हैं वो ऋणात्मक होता है और दर्पण के पीछे कोई भी चीज प्रतिमा बनता है उसका जो कोई चीज लेते हैं वो क्या होता है धनात्मक होता है। जैसे यहाँ पर हम फोकस लिए फोकस दूरी लिए क्या हो जाएगा ऋणात्मक होगा। वक्ता त्रिज्या लेंगे वो भी क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। वस्तु दूरी भी लेंगे तो ऋणात्मक होगा प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी तो दोनों में ऋणात्मक होता है कोई भी दर्पण हो ले प्रतिबिंब दूरी भी क्या हो जाएगा दर्पण के सामने बनेगा तो ऋणात्मक होगा लेकिन वही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे फोकस दूरी पी एफ बराबर क्या हो जाएगा माइनस एफ। देखिए यहाँ पी एफ क्या हो गया माइनस एफ हो जाएगा क्योंकि छोटा एफ है क्योंकि दर्पण अवतल है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। आगे लिखे है वस्तु दूरी वस्तु दूरी कौन है ये देखिए ध्रुव से लेके वस्तु जहाँ रखे उसकी जो दूरी होगी उसी को क्या बोलते हैं वस्तु दूरी बोलते हैं। अब पहले ही बताया था निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में कि कोई भी दूरी होता है वो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं कहाँ से मापते हैं दर्पण के ध्रुव से। देखिए दर्पण के ध्रुव से मापे और जहाँ पर वस्तु रखे उसके बीच की जो दूरी होगी उसी को क्या बोलेंगे वस्तु दूरी। देखिए वस्तु दूरी पी बी देखिए वस्तु दूरी पी और बी है यहाँ पे पी बी बराबर माइनस यू हो जाएगा। हम पहले बताए थे कि वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं यू से करते हैं और अवतल दर्पण है अवतल दर्पण की वस्तु दूरी कोई भी दर्पण उसका वस्तु दूरी क्या होता है माइनस होता है इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस यू लिखते हैं। आगे देखते हैं प्रतिबिंब दूरी जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं वी से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी तो जहाँ प्रतिबिंब बनेगा और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी उसी को क्या बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है यहाँ पर बन रहा है दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इसलिए क्या लिखे माइनस बी लिखे। आइए देखते हैं वक्ता त्रिज्या अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की भी वक्ता त्रिज्या क्या होती है ऋणात्मक होती है। पहले बताया था ऐसे भी दर्पण के सामने है तो वक्ता त्रिज्या क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। तो देखिए वक्ता त्रिज्या क्या हो जाएगा पीस मतलब बताए हुए थे कि ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। तो पीसी हो गया वक्ता त्रिज्या और हम जानते हैं कि देखिए जो वक्ता त्रिज्या होती है फोकस की क्या होती है दुगुनी होती है। आपसे कोई पूछेगा कि वक्ता त्रिज्या क्या होती है तो फोकस दूरी जो होती है फोकस नहीं फोकस दूरी जो होती है उसकी क्या होती है दुगुना होती है। तो फोकस क्या है एफ है माइनस एफ है तो उसका दुगुना क्या हो जाएगा टू एफ हो जाएगा माइनस टू एफ हो जाएगा। देखिए उसका क्या हो जाएगा माइनस टू एफ हो जाएगा। आइए देखते हैं चित्र से त्रिभुज। देखिए चित्र से हम आते हैं तो देखिए एक चीज आप देखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज क्या है ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी दोनों क्या है समरूप है समरूप है। समरूप से नियम जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज मान लीजिए हमको त्रिभुज बनाते हैं मान लीजिए जो समरूप त्रिभुज है मान लीजिए जो समकोण त्रिभुज है मान लीजिए जो समकोण त्रिभुज है ए बी सी और एक बार मान लीजिए समकोण त्रिभुज है बी ई एफ मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज है तो इसका नियम होता है कि जो ए वाला जो भुजा होता है इसके बराबर होता है बी ई और ए वाला जो भुजा मतलब सब आपस में जो जितना भुजा होता है सब बराबर होता है मतलब बी सी किसके बराबर हो जाएगा ई एफ के बराबर हो जाएगा और जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा बी एफ के। तो समरूप का नियम होता है इसका भुजा इसके बराबर होता है इसका भुजा इसके बराबर होता है और इसका जो भुजा है वो इसके बराबर होता है। तो एक चीज आप यहाँ भी कर सकते हैं देखिए ये जो त्रिभुज ए बी सी जो त्रिभुज है वो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश से क्या है ए डैश बी डैश और सी के क्या है समरूप है। लिखे हैं फिर यहाँ पे चित्र से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश के मतलब त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज ए बी सी ए डैश बी डैश सी भी क्या है समरूप है। तो समरूप के नियम से आप देख सकते हैं कि ए बी देखिए ए बी क्या है ए बी बराबर हम कर दिए तो इसका क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा। देखिए सामने वाला भुजा ए बी क्या है ये लंब है ये भी क्या है लंब है और दूसरा लिखे है बी सी देखिए बी सी यहाँ पे है बी सी हो गया उसका आधार हो गया
यहाँ बी सी डी लिखे इसका आधार कौन हो जाएगा, ए वाला आधार हो जाएगा, क्या होगा बी डैश लिख जाएगा। देखिए बी डैश लिखिए, इसको हम क्या मान लीजिए समीकरण वन इतना लिखिए और फिर आगे बताते हैं। इतना आप लिख लिए थे, अब आगे हम देखते हैं ठीक है। देखिए आगे है फिर चित्र से, देखिए फिर चित्र में देखिए बता दिए थे, अब आगे देखिए चित्र देखिए, त्रिभुज ए बी पी, देखिए त्रिभुज ए है, ए बी पी त्रिभुज है, ए बी पी है, फिर है वो समरूप है त्रिभुज, तो त्रिभुज है ए डैश बी डैश और पी के, तो त्रिभुज ए बी पी है और समरूप किसके है ए डैश बी डैश पी के, क्या समरूप है। देखिए समरूप से हम पहले ही बताए थे, तो क्या होता है उसका जो ए भुजा होगा वो किसके बराबर होगा, ए भुजा के बराबर होगा, और जो इसका आधार होगा वो किसके इसके आधार के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखे है ए बी बराबर ए डैश बी डैश, देखिए यहाँ ए बी है इसके क्या बराबर होगा इसके बराबर जाएगा, तो ए डैश बी डैश हो जाएगा। और फिर क्या लिखे है बी पी, देखिए बी पी इसका आधार है, तो बी पी इसका आधार होगा, इसका आधार क्या हो जाएगा कि बी डैश क्यू हो जाएगा, तो यहाँ बी डैश क्यू हो गया, समीकरण दो हो गया। तो देखिए समीकरण वन क्या था, हम लोग का समीकरण वन था ए बी बराबर ए डैश बी डैश, और दूसरा क्या था समीकरण वन हम लोग का था ए डैश बी डैश बट्टा, ये हम लोग क्या था समीकरण वन। देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण वन हम लोग का ए है और समीकरण दो क्या है ए, इसमें देखिए इसका जो इस वाला साइड है ए वाला साइड के बराबर, देख लीजिए ए वाला साइड है किस साइड के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो आरएचएस होता है आरएचएस होता है वो क्या होता है एलएचएस के बराबर। देखिए आरएचएस बराबर है दोनों का, एलएचएस में क्या होगा बराबर होगा, यहाँ पर हम लिख दिए है एलएचएस बराबर कर दिए, बी सी इसका क्या है कि इसका है, तो बी सी बराबर बी सी बट्टा बी डैश सी लिख दिया, और इसका एलएचएस क्या है बी पी बराबर बी डैश पी, देखिए यहाँ पर लिख दिए है बी पी बराबर बी डैश पी लिख दिए। आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर देखिए जब ये बराबर हो गया एक चीज है, देखिए इसका आप मान पुट कर सकते हैं, देखिए बी सी का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए तीन मान हम निर्देशांक चिन्ह पर पाटी साहब को बताए हैं कि पी ए बराबर क्या है फोकस दूरी है, पी बी बराबर क्या है वस्तु दूरी है, पी बी डैश बराबर प्रतिबिंब दूरी है, और पी सी बराबर क्या है कि वक्ता से दिया जो टू एफ के माइनस टू एफ के बराबर है। देखिए यहाँ पर बी सी दिया हुआ है, तो बी सी का दूरी नहीं दिया है, यहाँ पर देखिए क्या बी सी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस दोनों दूरी में से इसके दोनों करके और इसको घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, लेकिन वही चीज यहाँ पर लिख दिए हैं पी बी, देखिए इसको पूरा कर ले लिए है पी बी और माइनस कर दिए है पी सी के, इसके माइनस कर देंगे तो ये दूरी हम लोग का क्या निकल जाएगा निकल जाएगा, ये चीज लिखे है पी बी माइनस पी सी कर दिए ठीक है। और बी डैश सी है, बी डैश सी है प्रतिबिंब दूरी, सॉरी बी डैश सी है, तो बी डैश सी का भी मान नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या है बी डैश सी का भी मान नहीं दिया है, हम क्या कर सकते हैं कि पूरा दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे ए वाला दूरी को घटा देंगे तो निकल जाएगा, देखिए हम क्या लिखे हैं पी सी, देखिए इसका पूरा दूरी को हम ले लिए हैं पी एस सी ले लिया पूरा दूरी और माइनस कर दिए हैं पी बी, पी बी डैश माइनस कर दिए, इसमें से पूरा दूरी में से इसको घटा लेंगे तो ए वाला दूरी क्या हो जाएगा निकल जाएगा, यही चीज किए हैं। देखिए और बी पी बराबर बी डैश पी है, देखिए यहाँ पे पी बी का मान दिया हुआ है, देखिए पी बी का मान क्या दिया हुआ है माइनस यू दिया है, मतलब वस्तु दूरी क्या दिया हुआ है माइनस यू दिया है, तो माइनस यू हम लिख लेते हैं, फिर माइनस है और पी सी का मान क्या है, देखिए पी सी का मान है माइनस टू एफ, हम क्या लिख रहे हैं माइनस टू एफ लिख दिए, मतलब वक्ता त्रिज्या का मान क्या है, देखिए जो वक्ता त्रिज्या पी सी है इसका मान क्या है कि माइनस टू एफ, ये चीज हम लिख लीजिए, फिर क्या है बट्टा पी सी का मान क्या दिया हुआ है पी सी का मान माइनस टू एफ है माइनस, और पी डैश बी का मान क्या दिया है माइनस माइनस जी दिया हुआ है, और इधर क्या है कि बी पी का मान क्या है माइनस यू है, और बी डैश बी का मान क्या दिया हुआ है माइनस जी दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सब मान निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से पहले हम बता दिए, अब देखिए उसको हम क्या करेंगे कि देखिए माइनस यू हो गया और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू एफ हो गया, और यहाँ पर देखिए माइनस टू एफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस यू बराबर, अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए माइनस वी है और माइनस यू से गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस यू भी हो जाएगा ठीक है, प्लस और माइनस गुना हो जाएगा तो क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा टू यू एफ हो जाएगा, तो माइनस टू यू एफ लिख दिया है, वैसे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा टू यू एफ माइनस यू भी है। फिर अब क्या करते हैं कि देखिए इसको माइनस वाला किधर हम ले आएंगे दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा टू यू एफ हो जाएगा ठीक है, और इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या देखिए टू यू एफ बराबर क्या हो जाएगा टू यू
वक्ता त्रिज्या हुआ, फिर आवर्धन हुआ, फिर
प्रतिम की ऊंचाई हुआ, यह सब चीज क्या होता है, धनात्मक होता है। फिर आगे है अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्त त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है। हम याद रखिएगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, वक्त त्रिज्या क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। हम याद रखिएगा। और देखिए उसका क्या होता है, दर्पण के सामने रहता है वक्त त्रिज्या और कौन, वक्त त्रिज्या और जो उसका फोकस दूरी होता है वो कहाँ रहता है, दर्पण के सामने रहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दर्पण के पीछे रहता है उसका वक्त त्रिज्या और फोकस दूरी, इसीलिए इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है। याद रख सकते हैं कि जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्त त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्त त्रिज्या होती है, दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि दर्पण के पीछे होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्त त्रिज्या क्या होगी, धनात्मक होगी। आगे लिखे है कि वस्तु की ऊंचाई, जो वस्तु की ऊंचाई होती है जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, हमेशा धनात्मक होती है। मतलब वस्तु की जो ऊंचाई होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। वो कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, जैसे बोले वस्तु की ऊंचाई, तब क्या लीजिएगा, धनात्मक लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है जिसे हम लोग एच डैश से सूचित करते हैं, वो क्या होती है, हमें मतलब जब प्रतिबिंब क्या हो, कब धनात्मक होगी, जब मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई है एच डैश, कब धनात्मक होती है, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक बने तो उस समय क्या होती है, धनात्मक होती है, और जब प्रतिबिंब वास्तविक मतलब काल्पनिक हो तो धनात्मक, और जब प्रतिबिंब वास्तविक बने तो क्या होता है, ऋणात्मक। हम पहले ही बताया कि दर्पण के सामने जो भी चीज हो क्या होता है, ऋणात्मक। तो दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है ऋणात्मक होगा, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो क्या होगा, धनात्मक। कौन, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक, आगे लिखा है आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन एम, धनात्मक कब होता है, जब प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो, और जब ऋणात्मक कब होता है, जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। हम बोले हुए थे कि दर्पण के सामने जब कोई भी चीज हो उसका क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के सामने बनता है, तो क्या हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता क्या होगा, धनात्मक होगा। ये चीज सब आपको नॉलेज मतलब होना चाहिए, तब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि वस्तु दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी जो यू होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, कोई भी दर्पण। प्रतिबिंब दूरी है, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो उसका प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बने तो उसका जो प्रतिबिंब दूरी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आगे है कि दर्पण के सामने मतलब दर्पण के सामने जो भी चीज बने उसका सब चीज क्या होता है कि ऋणात्मक हो जाए, जैसे फोकस दूरी हुआ, वक्ता त्रिज्या हुआ, आवर्धन हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ, जितना चीज है क्या हुआ, ये सब क्या होता है कि निगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। और दर्पण के पीछे जितना भी चीज बने वो सब चीज क्या होता है, धनात्मक होता है। फिर लिखे है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी में वक्ता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि आगे होता है अवतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के आगे होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसका वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी में वक्ता त्रिज्या धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी में वक्ता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आगे लिखे है कि वस्तु की ऊंचाई, अब याद रख सकते हैं वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है, कोई भी दर्पण हो। फिर आगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, जब धनात्मक प्रतिबिंब बने मतलब धनात्मक कब होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जब क्या हो कि प्रतिबिंब काल्पनिक बने, और ऋणात्मक कब होता है, जब प्रतिबिंब क्या हो कि वास्तविक बने। फिर आवर्धन क्या है, जब धनात्मक कब होता है, आवर्धन प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो, और ऋणात्मक कब होता है, जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक। आइए हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पहले आपको दो तीन फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। देखिए पहला फॉर्मूला है, आपको देखना होगा कि f बराबर क्या होता है, r बाई टू। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 बाई f बराबर, मतलब दर्पण सूत्र वाला फॉर्मूला होता है 1 बाई u प्लस 1 बाई v। तीसरा होता है आवर्धन का h डैश बटा h, इसी के बराबर क्या होता है, माइनस u बाई v। ये आपको तीन फॉर्मूला याद रखिएगा, तो आपको प्रकाश के परावर्तन में जितना भी न्यूमेरिकल है वो चीज बन जाएगा। देखिए हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, जो भारतीय भवन का बुक आता है क्लास 10 का, देखिए भौतिकी 2 लिखा हुआ है, इसी का जो अंकिक दिया हुआ है, अंकिक जो प्रश्न है उसी को हम लोग देखते हैं। अंकिक इसका प्रश्न है, इसी को हम पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा बुक से, हम यहाँ पर बना देते हैं, आप बुक से वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। देखिए इसमें तो पहला क्वेश्चन दिया है, लेकिन इससे पहले हम बहुत सिंपल क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में एक नंबर में तो हर साल ही रहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन एक मतलब हर साल रहता है वो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या रहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या, देखिए गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 24 सीएम है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाता है, एकदम एक सिंपल क्वेश्चन है।
ये गोलीय दर्पण क्या है कि फोकस दूरी क्या है कि 24 सेंटीमीटर या 36 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर है, तो उसकी क्या करे कि फोकस दूरी निकाले, मतलब अपना त्रिज्या दे देगा आपको, फोकस दूरी पूछेगा। तो देखिए हम फॉर्मूला लिखे थे क्या, एफ बराबर आर वाई टू, आपको दे देगा वक्ता त्रिज्या, मान लीजिए कि 24 सेंटीमीटर दे दिया, तो पूछेगा फोकस दूरी क्या, नहीं निकल जाएगा, सिंपल है। आप फॉर्मूला यहाँ पर बिठा दीजिएगा, क्या है आर का मान दे दिया 24, तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो पहला आपसे एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसकी क्या हो जाएगा फोकस दूरी निकाले, तो आप निकाल लीजिएगा, सिंपल एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है, तो ये चीज आप निकाल लीजिएगा। फिर दूसरा ऐसे इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, अब फोकस दूरी आपको दे देगा, फोकस दूरी क्या दे देगा, मान लीजिए 24 सेंटीमीटर दे दिया, तो पूछेगा इसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी, मतलब आर क्या होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं, 24 यहाँ पर पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24 बराबर क्या आ जाएगा आर बाई टू, तो क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रख सकते हैं। देखिए फोकस दूरी होती है वो वक्ता त्रिज्या के आधी होती है, फोकस दूरी होती है क्या होती है वक्ता त्रिज्या के आधी होती है। मान लीजिए कि आपको वक्ता त्रिज्या दे दिया, फोकस दूरी पूछ रहा था, आप क्या बताइएगा उसका आधा कर दीजिएगा, जितना देगा उसको क्या कर दीजिएगा आधा कर दीजिएगा। हम जानते हैं क्या होता है फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, और वक्ता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। देखिए इसको आर पे इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि फोकस दूरी होती है वो क्या होती है वक्ता त्रिज्या के आधी होती है, और वक्ता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी क्या होती है दुगुनी होती है, मतलब दुगुना होता है। तो आपसे मान लीजिए कि यहाँ पर वक्ता त्रिज्या दे दिया और फोकस दूरी पूछेगा तो आप क्या कीजिए वक्ता त्रिज्या का आधा कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। और जब क्या हो कि फोकस दूरी दिया हुआ और क्या पूछ रहा है आपसे वक्ता त्रिज्या पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि क्या होता है कि वक्ता त्रिज्या क्या होता है फोकस दूरी की दुगुनी होती है, तो उसका क्या कीजिएगा दुगुना कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 24 है, इसको दुगुना कर दीजिए क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऐसे आप बना लीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो आपकी किताब में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ अंकित प्रश्न हम पढ़ देते हैं, आप वहां से क्या कर लीजिएगा लिख लीजिएगा, यह भारतीय भवन का बुक है, अब देख लीजिए क्लास 10 का भौतिकी 2 लिखा हुआ है, तो ऐसे आप देख लीजिएगा। इसका देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं उसके बाद हम बनाते हैं, क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लगता है, आप क्वेश्चन वहां लिख लीजिएगा। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, पहला इसमें क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी, हम लिख देते हैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हम पहले बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है, तो क्या हो जाएगा एफ बराबर क्या हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखा हुआ है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिख दिए कि एफ बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है माइनस होती है, हम पहले भी बताए थे, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा जो बताया था कि प्लस बनाने से पहले का टिप्स वो याद हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए। तो मैं बराबर क्या लिख दिया माइनस 20 सेंटीमीटर। आगे दिया है क्वेश्चन, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, एक वस्तु है दर्पण के ध्रुव से, मतलब वस्तु दूरी दिया हुआ है, वस्तु दूरी हम पहले ही बताया था कि हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है, कोई भी दर्पण हो ऋणात्मक हो जाएगा, और कितना दिया है कितना दूरी पर है एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर दिया हुआ आगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, मतलब भी पूछ रहा है, तो भी कहाँ बनेगा। देखिए एक हम फॉर्मूला लिखे थे दर्पण सूत्र में, जिसमें था कि 1/a = 1/u + 1/v, इसी फॉर्मूला पर आप पुट कर दीजिएगा तो आंसर आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 1/a = 1/u + 1/v, 1/f क्या है माइनस 20 है, और इसको पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा u का मान दिया है माइनस 30, और ये नहीं दिया हुआ तो मान लीजिए इसको x मान लीजिए और v मान लीजिए, कोई चीज मान सकते हैं। देखिए तो इसको आप क्या कीजिएगा इधर ले आ दीजिए, एक पार्ट में ले आ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 20 माइनस इधर है तो इधर आएगा बराबर की तरह प्लस हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस 60, माइनस से माइनस कर देगा 3, माइनस हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो बचेगा 1/v, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/-7, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रॉस गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दर्पण, देखिए माइनस जो एक चीन अंकित कर रहा है जो कि माइनस है, तो मतलब बता रहा है कि प्रतिबिंब क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि हम बताए हुए थे वास्तविक जैसे बनेगा तो क्या होगा उसका प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो प्रतिबिंब तो बताए हुए दर्पण के सामने ना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कह सकते हैं कि दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप लिख सकते हैं
दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए लिखा हुआ कि देखिए जो वस्तु है, वस्तु जहां भी रखा हो, मतलब वस्तु का 39 सेंटीमीटर पर रखा हुआ था दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के सामने ही बनेगा। कितना दूरी बनेगा कि जो ध्रुव है उससे कितना दूरी पर बनेगा? दर्पण का जो ध्रुव है उसके सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये समझ गए। आइए अब दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? एक वस्तु रखा गया है। देखिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? एक वस्तु। हम बोले हुए थे कि वस्तु दूरी क्या होता है? हमेशा माइनस में होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। हम लिख सकते हैं यू बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। इसमें लिखा गया है किसी अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? एक वस्तु रखा गया जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर के। हम बोले थे कि दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा उसका क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। तो धनात्मक यहाँ पर ले लेते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में आप दूरी लिख दीजिए। दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो उसका प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। दर्पण के पीछे जैसे प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, मतलब एफ निकालना। फिर वही करना है कि दर्पण सूत्र वाला फॉर्मूला पुट कर देना है। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/u प्लस 1/v। f बराबर हो जाएगा 1/u दिया हुआ है माइनस 30 प्लस 1/40 हो जाएगा। आप एलसीएम लीजिएगा तो 120 हो जाएगा, माइनस 120 एलसीएम होगा, माइनस से माइनस कर देगा 3 बचेगा, 3 प्लस 3 4 होगा यहाँ पे, और इसमें कटेगा तो माइनस 3 होगा। तो आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 3। यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 1/f हो जाएगा, प्लस माइनस क्या जाएगा? माइनस हो जाएगा, 3 कटेगा 120 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 1/f बराबर हो जाएगा 1/120। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो f बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 120। देखिए हम पहले बताए थे इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन माइनस में आया तो माइनस से नहीं, माइनस से पता चलता है कि कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। हम बताए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। या माइनस से क्या पता चला है कि अवतल दर्पण है? लिख सकते हैं बराबर 120 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है? एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दिया है? 12। मतलब आप लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। देखिए आप प्लस क्यों लिखे हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक होती है। इसीलिए आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं कि इसमें फोकस दूरी क्या है। आप जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। यहाँ पर 12 है, देखिए क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। दूसरा दिया हुआ क्वेश्चन में, तीन नंबर क्वेश्चन में, कि दर्पण के 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है। मतलब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? एक वस्तु रखा है। मतलब यू बराबर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और वस्तु दूरी क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। हम बोले कोई भी दर्पण होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा। और बोल रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ? मतलब भी पूछ रहा है, मतलब वाट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप फिर दर्पण सूत्र लगा सकते हैं। तीनों चीज दिया, यू भी और एफ दिया हुआ, तो आप निकाल सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v कर सकते हैं। एफ का मान दिया है 1/6, यू का मान माइनस 12 दिया है, प्लस वह क्या हो जाएगा? 1/v। इधर इसको फेर दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 + 1/6 प्लस 1/ माइनस है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बराबर 1/v। इसको आप मल्टीप्लाई अति कर दीजिए, 12 हो जाएगा एलसीएम, 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। फिर क्या होगा? 1/v बराबर 3 + 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3v बराबर हो जाएगा 12। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? 12/3 मतलब 4। मतलब प्रतिबिंब क्या हुआ कि 4 सेंटीमीटर। आप कर सकते हैं प्लस में आया, तो बोल सकते हैं कि दर्पण के पीछे, मतलब दर्पण के पीछे दर्पण से 4 सेंटीमीटर के दूरी पे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। आप लिख सकते हैं दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा।
ऐसे भी ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, मतलब उसमें प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ये चीज आप लिख सकते हैं। आइए आपके भारतीय भवन किताब का चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन आंकिक प्रश्न का चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर है। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया है। देखिए बराबर क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यहाँ पे आपको माइनस लगाता हूँ। फिर आगे दिया गया है कि इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, मतलब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु दूरी दे दिया गया है कितना, 25 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर वस्तु रखी है, मतलब वस्तु की ऊंचाई क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, एच मानते हैं। और पहले बताया कि कोई भी दर्पण हो उसमें वस्तु का ऊंचाई क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, तो हम 4 सेंटीमीटर धनात्मक ले लिए, मतलब 4 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि चौथा क्वेश्चन है कि दर्पण से कितनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब भी पूछ रहा है कितना होगा डैश, और फिर पूछ रहा है क्या कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, मतलब एच डैश भी पूछ रहा है। और प्रतिबिंब बोला है सीधा होगा उल्टा, देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, सीधा होगा। तो आइए देखते हैं, देखिए फॉर्मूला फिर क्या कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं। एफ यू और वी तीनों दिया हुआ, रिलेशन दिया, दो चीज दिया, तीसरा नहीं दिया, तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं कि 1/f बराबर 1/u + 1/v कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर, माइनस हो जाएगा प्लस 1/v। यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 1/15 प्लस, मतलब इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/25। इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 75 एलसीएम हो जाएगा, माइनस 75 एलसीएम होगा, माइनस से माइनस कर जाएगा तो हो जाएगा 5, और इधर माइनस हो जाएगा मतलब प्लस, तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 75 हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कर जाएगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिए 5, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा, सॉरी अभी तो 2 लिख सकते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस 75 बराबर 1/v हो जाएगा, 1/v बराबर लिख सकते हैं 2/-75, और 75 हो जाएगा। फिर इसको कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2v बराबर हो जाएगा माइनस 75, और v बराबर क्या हो जाएगा, 75/2, मतलब आ जाएगा आपको 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, दूरी पर बन रहा है। जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, यानी प्रतिबिंब उल्टा, उल्टा है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि एच डैश निकालिए, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है एम बराबर एच डैश बट्टा एच बराबर माइनस यू बाई बी, मतलब एच डैश बट्टा एच होता है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई बराबर माइनस वी बाई यू होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए कि एच डैश नहीं दिया, एच डैश पूछ रहा था, एच डैश को हम इस डैश से रखने देते हैं, लेकिन एच दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, आप 4 लिख सकते हैं, और माइनस वी कितना दिया हुआ है, माइनस 37 हो जाएगा, आप देख सकते हैं 37.5, और यहाँ पे एच की जगह फोर लिख दीजिए यहाँ पे, और यू कितना दिया हुआ है, यू देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया है, माइनस 25 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर माइनस 37, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 25 एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, 37 × 4 हो जाएगा, होगा ना, क्रॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 25 एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 150, और 25 से कट जाएगा कितना, मतलब 6 मरता है, मतलब एच डैश की ऊंचाई क्या हो गया, 6
सेंटीमीटर, समझ गए? प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। देखिए आंसर भी दिया होगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आंसर 6 सेंटीमीटर आकार का है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आइए अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आपके बुक का है। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अंकित प्रश्न का, कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। देखिए वस्तु दूरी क्या दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। हम बताया थे वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर माइनस में, और 2 सेंटीमीटर ऊंची क्या है? एक वस्तु रखी गई है। तब बोले थे वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो आप एच को हमेशा क्या मान सकते हैं? कितना है? 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, मतलब प्लस है 2 सेंटीमीटर यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जैसे बोलेगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगा, तो मतलब v बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे u है, v बराबर हो जाएगा माइनस 40 सेंटीमीटर, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है दर्पण में, समझ गए? तो क्या हो जाएगा? माइनस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एवं प्रतिबिंब का आकार बताइए, मतलब f पूछ रहा है और h डैश पूछ रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, 1/f बराबर क्या होता है? 1/u + 1/v होता है। f नहीं दिया है तो 1/m बराबर लिख सकते हैं, 1/u कितना दिया? माइनस 20 सेंटीमीटर, और प्लस हो जाएगा 1/-40 सेंटीमीटर। देखिए इसको हल कीजिएगा तो 1/20 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 40 एलसीएम होगा इसका, ठीक है? माइनस से माइनस कट जाएगा मतलब 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? 40 मतलब एक बार, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। इतनी समझ गए? तो मतलब 1/f बराबर हो जाएगा 3, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ का है माइनस 40 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3f बराबर हो जाएगा माइनस 40, f बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 40 बट्टा 3, मतलब 13 पॉइंट समथिंग आएगा सेंटीमीटर, मतलब माइनस में आया। इससे पता चल रहा है क्या? कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 पॉइंट 3 सेंटीमीटर। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें दूसरा एक क्वेश्चन है क्या? एच डैश निकालना। देखिए यहाँ पर बताते हैं फॉर्मूला होता है आवर्धन बराबर एच डैश बट्टा एच बराबर माइनस यू बाई वी, मतलब एक ए भी फॉर्मूला होता है और ए भी फॉर्मूला, इसको हम बराबर कर दिए। देखिए एच डैश का मान कितना दिया हुआ? नहीं दिया हुआ था, हम एच डैश को एच डैश ही रहने देते हैं, और एच का मान 2 सेंटीमीटर दिया है, माइनस यू कितना है, मतलब जो प्रतिबिंब दूरी है कितना है? माइनस 40 है, मतलब माइनस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, और वस्तु दूरी क्या है? माइनस 20 है। अब कीजिए माइनस से माइनस कर दिया, ठीक है, तो हो जाएगा एच डैश बराबर, सॉरी अब 20 से 20 कटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, 20 से 40 कटेगा तो मतलब हो जाएगा एच डैश बराबर हो गया माइनस 4 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई माइनस में आया। पता चल रहा है कि वो कौन है? प्रतिबिंब वास्तविक है, मतलब अवतल दर्पण बनना है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है, माइनस में आया तो वास्तविक, और प्लस में आया तो काल्पनिक प्रतिबिंब। आइए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, इसको मिटाते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, मतलब बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु दूरी कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है, और 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, मतलब एच कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, और एच मतलब वस्तु दूरी क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। आगे लिखा है प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है, प्राप्त प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक एवं उल्टा है, तथा इसका आकार 3 सेंटीमीटर है, मतलब प्राप्त प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक एवं उल्टा है, और इसका आकार क्या है? 3 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब की जो ऊंचाई हो क्या है कि माइनस होगा, क्योंकि वहां पर वास्तविक बोल रहा है। हम बोले थे जब प्रतिबिंब का वास्तविक हो तो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई क्या होगा? वो माइनस में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच डैश बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 3 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए, मतलब इसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है
और एक क्या पूछ रहा है कि यू पूछ रहा है। देखिए एक फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे कि एम बराबर मतलब एच डैश बट्टा एच होता है और माइनस यू बट्टा यू होता है, मतलब इसके बराबर इसको कर सकते हैं। ये दोनों कंपेयर, एच डैश का मान दिया हुआ है माइनस 3 सेंटीमीटर और एच का मान दिया 2 सेंटीमीटर और यू का मान नहीं दिया है, माइनस यू ही रहने दीजिए और सॉरी वी का मान उतने रहने नहीं दिया हुआ और यू का मान क्या दिया है माइनस 32 सेंटीमीटर। अब क्या कर सकते हैं इसको अब काट दीजिए, क्या लगेगा माइनस 16 मतलब माइनस से माइनस काट दीजिए मतलब यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस 48 मतलब प्रतिबिंब दूरी क्या आ जाएगा माइनस। प्रतिबिंब दूरी जब माइनस में आ रहा था पता क्या चल रहा है कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब आ रहा है, दर्पण के सामने बनना है, मतलब यू बराबर क्या हो जाएगा 48। जब यू निकल गया तो हमको फोकस दूरी आराम से निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है 1/a बराबर 1/u प्लस 1/d। यू का मान दे दिया, यू का मान कितना है माइनस 32 है प्लस अभी का मान क्या होगा माइनस 48 आया है, आप लिख सकते हैं 1/48 माइनस 32 और प्लस माइनस माइनस से मतलब 48। इसका एलसीएम हो जाएगा 96। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 96। तो अभी तीन मर्तल में कटेगा तो हो जाएगा माइनस माइनस 96 इसका एलसीएम होगा, तो तीन मर्तल में कटेगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर 3 होगा, ठीक है क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 होगा और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1/a बराबर हो जाएगा प्लस प्लस 5 हो जाएगा 5/96 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5a बराबर क्या हो जाएगा 96/5 मतलब 96 हो जाएगा और f बराबर क्या हो जाएगा 96/5 कटेगा तो आपको आंसर आ जाएगा 19.2 हो जाएगा, 19.2 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस होगा माइनस 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 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 96 है 19.2 माइनस में आएगा, नहीं हम बताए हुए थे कि जब फोकस दूरी क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है तो क्या होगा वो अवतल दर्पण होगा, यहाँ पे क्या होगा फोकस दूरी 19.2 फोकस दूरी माइनस में आ रहा है, तो पता क्या चला है यह कौन दर्पण है अवतल दर्पण है। आइए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर है। 7 नंबर क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है 1.5 सेंटीमीटर है मतलब उत्तल दर्पण है, इसीलिए इसके फोकस दूरी क्या हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी। आगे दिया हुआ है इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, मतलब इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है एक वस्तु रखी है, मतलब यू दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर और यू हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस लगा दिए। आगे दिया हुआ है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब भी पूछ रहा है कहाँ बनेगा। फिर आगे दिया गया है दर्पण की फोकस दूरी सॉरी यह बताया कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वास्तविक होगा कि आभासी। देखिए सिंपल उत्तल दर्पण होगा तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्वेश्चन पूछ दिया मतलब, लेकिन इसमें आवर्धन पूछ रहा है एम क्या। देखिए सिंपल है क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, फॉर्मूला होगा दर्पण सूत्र से 1/m बराबर 1/u प्लस 1/d। 1/m दे दिया है 1.5 और u दे दिया है 1/-5 अभी नहीं दिया हुआ, ठीक है तो दशमलव लगाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसको आप इधर ले आ दीजिए तो क्या हो जाएगा पहले लिख सकते हो 1/2 बराबर ऐसे लिख सकते हैं 10/15 बराबर -1/5 माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर में कर सकते हैं इधर 75 हो जाएगा सॉरी 30 हो जाएगा 15 ही होगा सॉरी 15 हो जाएगा एलसीएम इसका तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा 1/v तो 1/v बराबर इधर लिख सकते हैं हम 13/15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 13v/15 यानी v बराबर क्या हो जाएगा 15/13 कट क्या आ जाएगा 1.13 हो जाएगा यहाँ पे कटेगा 13 से 15 कटेगा तो 1.15 आएगा सेंटीमीटर होगा।
देखिए ए यू आया प्लस में, तो इसे पता क्या चला कि ये दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब प्लस में आता है तो प्रतिबिंब दूरी तो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, यानी 1.15 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी क्या आ गया, 1.15 सेंटीमीटर आ गया, मतलब प्लस में आया, इससे पता क्या चल रहा है कि दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब क्या होगा, आभास की होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब का कार्य, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, प्रकृति आभासी होगा, मतलब काल्पनिक होगा, मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है तो कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा, क्योंकि प्लस में आया प्रतिबिंब दूरी। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एम पूछा जा रहा है, एम का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। देखिए यहाँ पर यू कितना दिया हुआ है, माइनस 1.15 सेंटीमीटर हो जाएगा और यू दिया हुआ है माइनस 5 सेंटीमीटर। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको काटिएगा 0.23 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब जो प्रतिबिंब की जो जो ऊंचाई है वो क्या है, 0.23 सेंटीमीटर है, मतलब एम पूछा जा रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, 0.23 सेंटीमीटर गुना छोटा हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन 8 नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, मतलब एक दर्पण से 8 मतलब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, एक वस्तु रखा गया है। देखिए मतलब एक अवतल दर्पण मतलब यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, क्योंकि वस्तु दूरी क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है और 4 गुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब आवर्धन क्या है कि मतलब आवर्धन कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, मतलब और हम बताए हुए थे कि आवर्धन कब धनात्मक होता है कब ऋणात्मक होता है, मतलब आवर्धन जब धनात्मक कब होता है, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आवर्धन कब ऋणात्मक होता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो पता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब भी पूछ रहा है कहाँ बनेगा। देखिए फॉर्मूला जानते होंगे, एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस यू बाई माइनस वी बाई यू होता है, पुट कर दीजिए मान आराम से आंसर आ जाएगा, यू का मान नहीं दिया है तो माइनस यू हम रहने देते हैं, वी का मान एम का मान 4 दिया हुआ है, माइनस 4 दिया हुआ है और यू का मान माइनस 40 दिया हुआ है, माइनस सॉरी 10 दिया हुआ है, माइनस से माइनस काट दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब का हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, मतलब प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर सामने बनेगा, क्यों तो सामने बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी माइनस में आया और माइनस प्रतिबिंब दूरी कब होता है, जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन इसका है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर, मतलब एफ दे दिया है 6 सेंटीमीटर, प्लस होगा यहाँ पे क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, मतलब दर्पण से मतलब दर्पण वस्तु दे दिया कितना दे दिया 7.5 सेंटीमीटर, माइनस में जाएगा क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है और कितना ऊंची है 3 सेंटीमीटर ऊंची है, मतलब एच डैश क्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर, सॉरी एच दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एच क्या होता है हमेशा, मतलब वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, तो पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान आकार तथा उसका स्वरूप निकाले, प्रतिबिंब का स्थान मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भी कहाँ बनेगा और उसका आकार क्या होगा, साइज क्या होगा और स्वरूप मतलब उसकी प्रकृति क्या होगी। देखिए इसका क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, अब दर्पण सूत्र हम लगाते हैं, 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, तो देखिए f का मान दिया 1/6 हो जाएगा और u का मान दिया 1.-7.5 हो जाएगा, तो हम लोग ला दीजिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस v नहीं दिया हुआ है, इसको इधर ले आ दीजिए तो क्या जाएगा 1/6 प्लस 10/75 हो जाएगा बराबर 1/v। एलसीएम निकाल दीजिए, देखिए एलसीएम इसका 150 हो जाएगा,
150 एलसीएम होगा तो कटेगा कितना सेल, 37 150 एलसीएम हो जाएगा, तो दो मरता रहा और इधर बचेगा 30, 25 से कटेगा प्लस ये कितना से कटेगा, 2 से, मतलब 20 हो जाएगा यहाँ, अब वन बाई बी हो जाएगा। देखिए इसको आप जो क्रॉस कर सकते हैं तो कितना रहेगा 45, भी बराबर हो जाएगा 150, भी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 150 बट्टा 45, मतलब यहाँ पर 3.33 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा, सॉरी प्रतिबिंब दूरी होगा, मतलब प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया 3.3 सेंटीमीटर का। पता चल रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि प्रतिबिंब का स्थान, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पीछे 3.3 सेंटीमीटर की दूरी में बनेगा, दर्पण से बनेगा, ये हो गया। देखिए इसमें दूसरा पूछ रहा है कि से उसका आकार क्या होगा, मतलब उसका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, मतलब एच डैश पूछ रहा है, एच दिया हुआ है, एच डैश पूछ रहा है, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा फॉर्मूला में हुआ होता है कि एच डैश बट्टा एच बराबर माइनस बी बट्टा बी, आराम से इसका मान आप पुट कीजिए, पुट कीजिएगा, एच डैश का मान नहीं दिया हुआ है, एच दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, माइनस यू कितना दिया हुआ है, यू जो दिया है माइनस 3.33 बटा यू दिया हुआ है कितना माइनस 7.5 दिया हुआ है, माइनस से माइनस कट जाएगा और आप यहाँ एच डैश बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये 1 समथिंग के आंसर में आएगा, मतलब एच डैश क्या हो जाएगा 1 समथिंग, इसको काटिएगा तो 1.33 आएगा, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा 1.33 होगा। और इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्पण के ऊपर जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा, वह काल्पनिक होगा, और क्या होगा काल्पनिक होगा, और वस्तु से क्या छोटा होगा, क्योंकि दर्पण क्या है कि उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु से क्या होगा छोटा होगा उसका प्रतिबिंब, तो यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसमें जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो कितना होगा, आकार वही ऊंचाई आकार एक होता है, वो कितना हो जाएगा 1.33 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको काटिएगा तो उतना 1.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपकी किताब का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया, मतलब ए बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस फोकस दूरी हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा, और वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। देखिए यहाँ पर आप क्यों मान लीजिए एक्स, क्योंकि इसका दुगुना बोला, एक्स वाई कुछ मान सकते हैं, और भी क्या दिया हुआ है कि बोला है दुगुना है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है काल्पनिक है, इसमें दो कंडीशन बनेगा, एक प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा, मतलब दो कंडीशन बनेगा, आप कह सकते हैं प्लस 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। आप दर्पण सूत्र का फॉर्मूला जानते होंगे, तो क्या होता है 1/a बराबर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v, f हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, और u कितना दिया हुआ है x दिया गया, और यह क्या हो जाएगा वस्तु दूरी क्या होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, और पहले हम प्लस वाला करते हैं, ठीक है, प्लस वाला लेते तो क्या हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पर हम गुना उना कर सकते हैं, गुना उना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा माइनस 2x होगा, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा माइनस 2x होगा, तो एक्स से एक्स कट गया तो बचा 2 और प्लस हो गया, और 2x माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/-20 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में तो 1/-2x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 2x बराबर हो जाएगा माइनस 20, मतलब माइनस से माइनस कट गया 2 से 2 कट गया, मतलब x बराबर 10 आया, मतलब जब हम प्रतिबिंब दूरी प्लस में लेंगे मतलब धनात्मक लेंगे, मतलब समझेंगे प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, तो क्या होगा कि प्रतिबिंब दूरी सॉरी तो तब मतलब वस्तु दूरी का मान क्या आएगा कि 10 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि वस्तु दूरी क्या होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10 हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन है कि जब हम वस्तु क्या लेंगे कि माइनस मिलेंगे, मतलब माइनस मिलेंगे तो क्या होगा, देखिए जब माइनस मिलेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा वन, दूसरा कंडीशन है कि 1/20 बराबर हो जाएगा 1/-x, और ये क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा प्लस माइनस टू एक्स लेते हैं ठीक है, तो माइनस बीस बराबर हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा कि टू एक्स एलसीएम होगा लेकिन प्लस में होगा क्योंकि दोनों में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस सॉरी ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर प्लस कर दीजिए आसान हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, अब एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स एलसीएम होगा, तो माइनस से माइनस कर दिया तो यहाँ पर टू हो जाएगा और टू एक्स माइनस तो यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बीस बराबर दो बराबर माइनस टू एक्स, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा कि माइनस बीस सेंटीमीटर आएगा, आइए अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, देखिए दूसरा कंडीशन में ये तो आ गया प्लस वाले कंडीशन में, अब सेकेंड वाले कंडीशन में देखते हैं, देखिए कि जब हम माइनस में लेते हैं मतलब हो जाएगा वन बाई बीस बराबर दूसरा कंडीशन में लेंगे तो ये हो जाएगा वस्तु दूरी क्या हो जाएगा माइनस एक्स है और प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा कि माइनस टू एक्स होगा, एलसीएम लीजिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको इसको कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आप लिख सकते हैं माइनस यहाँ पर जो हो जाएगा एलसीएम लीजिए एलसीएम ले देगा माइनस टू एक्स एलसीएम हो जाएगा, एक्स एक्स कर दिया तो मतलब टू यहाँ पर माइनस हो गया और ये टू एक्स यहाँ पर माइनस एलसीएम माइनस एक हो जाएगा, अब देखते हैं माइनस ट्वेंटी हो गया और दो एक क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा मतलब और माइनस यहाँ पर दो हो जाएगा, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कीजिएगा क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स और यह हो जाएगा माइनस साठ, माइनस से माइनस कर जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा तीस हो जाएगा, मतलब जब आप प्रतिबिंब दूरी को प्लस में लेते हैं तो क्या आता है कि दस सेंटीमीटर आ रहा है और जब माइनस में लेते हैं तो क्या आ रहा है कि तीस सेंटीमीटर आ रहा है, आप कह सकते हैं कि वस्तु को हम दर्पण से 30 जब प्रतिबिंब दूरी को जब हम माइनस में लेते हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे वस्तु को दर्पण से और जब हम प्लस में लेते हैं तो कितना दूरी पर रखेंगे 10 सेंटीमीटर वस्तु को, ये हमें वस्तु को कहाँ रखेंगे 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब क्या आएगा कि प्लस टू मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दुगुना और कितना है यहाँ पर 10 तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब जब वस्तु को हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का कितना बनेगा 20 सेंटीमीटर पर और जब हम 30 तो 30 दुना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा मतलब 2 गुना 30 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 60, मतलब हम जब प्रतिबिंब को जब वस्तु को हम दर्पण से कितना पर रखेंगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर प्राप्त होगा हमें 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने और एक प्राप्त होगा दर्पण के पीछे होगा क्योंकि प्लस में आया होगा और एक चीज में आएगा माइनस में आया या दर्पण के सामने प्राप्त होगा, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखिए इसके बाद हम आपकी किताब का जो भारतीय भवन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखिए उसका हम ऑब्जेक्टिव का और जो अति लघु त्रिज्या है मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है उसका हम बहुत अच्छा से उसका मतलब आपको आंसर देंगे और उसको हम बोर्ड पर तो नहीं बता सकते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उसको हम कॉपी पर आपको लिख कर उसका हम मतलब पूरा अच्छा से उसका डिस्कशन कर देंगे, ठीक है, थैंक यू।